सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने हेयर का जो अपडेट है वो बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा हूं, तो मैं सोचा कि आज डाल देता हूं। और अभी मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा डालने के लिए। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी हो गया। इससे पहले मैं बॉम्बे में था, तो वहाँ पर मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी डॉक्टर वगैरह का, बट वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। अभी मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रही थी, 1 साल हो गए थे। तो मैं यहाँ पे आने से पहले डॉक्टर के पास गया था, मिला था, और डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है। और आप मेडिसिन छोड़ोगे तो शायद फिर से आगे जाके कुछ हो सकता है। तो मैंने किया, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। और मैं 1 साल का और कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब 1 साल के लिए उन्होंने बोला है कि 1 साल और आगे आप कंटिन्यू करो। तो जो ट्रीटमेंट का चार्ज था वो पहले 21,000 था, बट मैं सेकेंड टाइम किया और एग्जिस्टिंग पेशेंट हूँ, तो दूसरी बार मुझे कुछ कम हुए और 15,000 रुपये लगे। तो 15,000 रुपये मैंने EMI पे कर लिया है और एवरी मंथ कटते हैं पैसे, और 1 साल तक और चलेगा कंटिन्यू मेरा। मैं अभी दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में मैं उनको बोला था डॉक्टर को कि अगर मैं दिल्ली चला गया तो आप कैसे करोगे, मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा और मैं कैसे थेरेपी लेने के लिए जाऊँगा, किस ब्रांच में जाऊँगा। तो उन्होंने बोला था कि जब आप शिफ्ट हो जाओगे तो वहाँ का जो नियरेस्ट जो आपका क्लिनिक होगा वहाँ पे केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर आप चाहते हो तो। अगर केस ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते हो तो हम आपको यहाँ से भी मेडिसिन कुरियर करवा सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहले जाता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली अभी क्या हो गया है मेरे साथ कि जो ब्रांच का जो कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे मेरी कंटिन्यू बात होती है, जहाँ पे जो जिस स्टाफ से, वो स्टाफ वहाँ से जॉब छोड़ दिया है, तो मेरी बिल्कुल भी उनसे बात नहीं हो पा रही है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और दूसरा नंबर भी मेरे पास नहीं है। बट 10 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि आपका ट्रीटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट है कब आ रहे। मैं तो दिल्ली में हूँ, तो ऐसा वैसा जो भी, आपका नंबर भी नहीं लगता है। जो बंदे से बात हो रही थी मेरी, वो बंदा का फ़ोन ही नहीं लगता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनकी मतलब वो छोड़ दी, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तो इसके लिए तो अब मैं ही आपको, मेरे से ही कॉन्टेक्ट होगा आपको, एक लेडी थी कोई, बट उसके बाद इधर से फ़ोन ही नहीं लगा। तो पता नहीं, दोबारा फ़ोन मैंने ट्राई भी, मैंने गूगल भी किया और वहाँ से नंबर निकाला, वहाँ से भी लगता है, बट वो डायरेक्ट कहीं ब्रांच में नहीं लगता है, कहीं और लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैं नंबर भेज देता हूँ, बात करवा देता हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। वो लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे कस्टमर केयर के पास शायद लग जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं मैं ठीक है, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, मैं बात कर लो, बट वो भेज नहीं रहे। पिछले कई दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, दोबारा ट्राई करूँगा, और उससे भी ज़्यादा अगर नहीं हो पाया तो मैं कुछ और कोशिश करूँगा, या फिर नियरेस्ट जो क्लिनिक है वहाँ पर जाऊँगा, उनसे शायद कुछ हो पाए। कस्टमर केयर में बात करूँगा, देखते हैं जैसा होगा वैसा मैं अपने हिसाब से करूँगा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया और मैंने अपॉइंटमेंट, जो मेरी अपॉइंटमेंट बुक होती है ऑटोमेटिकली हर महीने, वो बॉम्बे में होती है जहाँ पे था मैं पहले, तो अब वहाँ से मैसेज तो आया था बट यहाँ से मैं जा नहीं सकता। तो एक महीने से ज़्यादा हो गया, और मैंने मेडिसिन जो है पहले वाला वही, उसमें से बचा हुआ है वो मैं खा रहा हूँ अभी कंटिन्यू, बट थेरेपी मैं 1 महीने से ऊपर हो गया, थेरेपी नहीं ले पाया। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है, और जैसा होगा मैं बताऊँगा। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो है, और बाकी की डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जो नए लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी जो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर बत्रा क्लिनिक में, होम्योपैथिक क्लिनिक में पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट चल रही है। पहले मैं मुंबई में था, पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ। तो जिनको ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की ट्रीटमेंट है, उनको अगर जानना है मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही होम्योपैथी के साथ पिछले 1 साल से, तो मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, और ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना काम करता है नहीं करता है,
सब जानकारी मेरी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मैं देता रहूँगा अपने हेयर के बारे में। सो गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी जानकारी मिलती रहेगी।